ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये भी जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज़ हो रहे थे कि यार फैसल भाई आपने दाढ़ी क्यों साफ़ कर दी, बशर का एक स्टाइल था, बशर दाढ़ी और मूछों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता था। अग्री मैं मानता हूँ यार, मैंने 6-7 महीने उस दाढ़ी के साथ गुजारे हैं, मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि हमने कितना इन्जॉय किया है उस लुक को। स्पेशली मैंने कहानी की डिमांड थी, लिखा हुआ था, जंजबील चाहती थी कि मैं शेव करूं, उसामा ने ज़िद की कि मैं शेव करूं, और वो जो ड्रास्टिक एक चेंज चाहिए था जो कि एक बीस्ट से उसको प्रिंस बनाना था, क्योंकि हम पहले बता चुके थे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट है और रेफरेंस हमने थ्रू आउट आप लोगों को दिया था उसका, सो उसकी वजह से मुझे शेव करवाना पड़ी। मुझे पर्सनली अपनी वो लोग ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ ये वादा करता हूँ इन कमिंग डेज फिर रखते हैं कुछ और स्टाइल, कुछ फेशियल हेयर किसी और तरह से रख के दोबारा से जो है वो आपके सामने आऊँगा। अभी फ़िलहाल जिस ड्रामे के सेट पे हूँ वो भी उसामा डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैंने एक बात कही थी कि बशर जाएगा तो कोई और आएगा, तो ये बता देता हूँ कि चलें अमान तो आ रहा है।